हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, अभी सुबह के हो रहे हैं, मॉर्निंग के हो रहे हैं 8, और मैं अभी ले रहा हूं अपना फर्स्ट मील जो कि है। तो मेरा फर्स्ट मील जो होता है हमेशा उसमें है 5 रोटियां और 200 ग्राम दही और साथ में भिंडी और पटल जो होती है ना उसकी भुजिया। तो उसमें ये मेरा फर्स्ट का मतलब फर्स्ट मील है ये, समझ लो ठीक है। उससे पहले मैंने कुछ लिए थे चने वगैरह, वो मैंने ऑलरेडी खा के ख़त्म कर चुका हूँ, देख लो आप, है ना। तो ये मेरा फर्स्ट मील है और मेरी तरफ से आप लोगों के हैप्पी नवरात्रि, जो कि भाई साहब स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आज 3rd डे है नवरात्र का और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल का मज़ा है ना उसका कुछ अलग ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। कि अब तो भाई फेस्टिवल है तो ब्लॉग भी बहुत सारे आने वाले। तो हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना, एक प्यारा सा हार्ट ही छोड़ देना जी, क्योंकि मुझे ना आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है एक नया ब्लॉग बनाने में। मैं जिम में जब भी स्क्वाट्स करता था ना तो मुझे होता क्या था ना, हमेशा ये नी पे मतलब कि थोड़ा पेन होता था, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता अच्छे तरीके से। तो सूरज भैया ने बोला था, जो मेरा जिम ट्रेनर है, उन्होंने बोला था कि ये वैक्सीन का जो आता है नी सपोर्ट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसको परचेज़ किया है कल मार्केट से। और हाँ जी, अगर आपको भी अगर नी में थोड़ा पेन वगैरह हो रहा है ना जब स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हैं या डेडलिफ्ट वगैरह, तो इससे हेल्प तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो मैंने इसको लिया है और उसकी क्वालिटी तो भाई साहब मतलब अच्छा ही है। तो आज वैसे भी जिम में करने वाला हूँ मैं लेग का वर्कआउट। तो आज इसका देखते हैं क्या हिसाब है, इसका सपोर्ट करता है या नहीं करता है, बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। लेकिन आज इतना सूरज भी तो बोला तो आई थिंक कि अच्छा ही होना चाहिए। और इसको देखेंगे ट्राई करके, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है देखो, मतलब टाइट है, फ्लैक्सीबल भी है, सपोर्ट तो करेगी। तो इसको यूज़ करो जब भी आप स्क्वाट्स वगैरह परफॉर्म करो, ताकि आपके नी में पेन ना हो, है ना, और कुछ इंजरी वगैरह ना हो। तो आप हमेशा याद रखना ये नी सपोर्ट आप ले लो मार्केट से जाकर, जो भी मिलता है आपको अच्छा क्वालिटी का ही लेना, ताकि थोड़ा ज़्यादा बेहतर भी रहता है और लॉन्ग टर्म तक चलती है आपको, ये सबसे भी आपके लिए बेस्ट है। और घर के बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, देखो आप। और ये हमारी गाय माता इनके घर पर पानी में बच रही है बारिश की वजह से। मज़ा आता है ना बारिश में, कुछ अलग ही मज़ा है भाई बारिश का, जरूर इसका मज़ा लिया करो थोड़ा मोड़ा। देखो बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, यहाँ पानी भी जम गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अभी घर पे हैं आज, और थोड़ा पढ़ लिया जाए, है ना, तो थोड़ा क्लास कर लेते हैं। ये है मेरा लैपटॉप जो कि बहुत ही ज़्यादा खटा रहा है, लेकिन जो को भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है इन्होंने आज मुझे। थोड़ा क्लास कर लेते हैं आज, है ना। तो जी लिखते लिखते हाथ दर्द कर गया आज, बहुत सारा क्वेश्चन लिखा मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन करे सारा एमसीक्यू लिखा मैंने आज बहुत सारे अच्छे तरीके से। जितने भी सारे पोएम्स थे छोटा वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2-4 और बाकी वो कंप्लीट मैं आज ही कर लूँगा। तो मेरा मील आ चुका है, इसमें है कुछ, ये है मखाना, ये है काजू, ये है बादाम, ये है किशमिश, कुछ गुड फैट लिविंग लेना है ज़रूरी है बॉडी में। तो पहले इसको करते हैं ख़त्म अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप ब्लॉग पे तो जी अभी टाइम हो रहा है शाम का
5:30 मतलब कि 5:30 बज रहे हैं, और मैं जाता हूँ जिम हमेशा 6 बजे शाम को इवनिंग में। तो कुछ नहीं लेना अभी, प्री वर्कआउट आपने देख लिया सारे मील वगैरह, तो ऑलरेडी पेट में बहुत सारे चावल रोटियाँ वगैरह भरी पड़ी हुई है, तो एनर्जी अभी बहुत सारा स्टॉक किया हुआ है। लेकिन हाँ फिर भी ले लेते हैं प्री वर्कआउट मील कुछ, लेकिन प्री वर्कआउट बहुत साधारण और नॉर्मल सा है, ठीक है ना। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, ये प्रोटीन वगैरह नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जो भी बात है जेन्युइन फैक्ट है, ठीक है। मैं लेता हूँ बस ये केले, 2 केले हैं, इसको लेना है, ठीक है ना। और इसी से मेरा जो है 1.5 घंटे तक का एनर्जी मिल जाता है मुझे, बहुत ही अच्छा एनर्जी मिलता है इससे। मैं पर डे ना हमेशा यही करता हूँ। और सबसे बेस्ट, अगर आपके पास प्री वर्कआउट लेने के लिए आप अफोर्डेबल नहीं हो, तो आप केले यूज़ करो, जो कि आपको 1.5 घंटे तक फुल एनर्जी मिलने वाला है इससे, है ना। तो पहले खाते हैं केले को और सीधा मैं आपको मिलता हूँ जिम पे जा कर के। Respect you, thought I was enough. Yeah, feels like half a century ago. Cause you keep coming back after telling me off without even feeling sorry between goodbye and hello again. Thought we could grow again. How about no again, again and again? I'm trying to tell you we can't be friends. Struggling to comprehend that we broke up and ended again and again and again. And I'm getting busier and busier. तो जी finally हो चुका है warm up complete, और अब leg का workout है। तो फर्स्ट में लेने वाले हैं आज स्क्वाट्स करेंगे, देखते आज कितना जाता है, और थोड़ा लाइट वेट से करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा बैक में पेन है। तो भाई सब 2 दिन पहले ही बैक एक्सरसाइज किए हुए थे, तो उससे बढ़िया कि भाई आज लाइट वेट कर लो, नहीं तो फिर रेस्ट इन पीस हो जाना कहीं। इसे हल्का वेट लेना आज और देखते हैं कितना जाता है, बेहतर तरीके से लेंगे। नो ईगो लिफ्टिंग, नॉर्मल से लेना है, जितना अपने लिए ही फ़ायदेमंद होने वाला है। स्क्वाट्स कंप्लीट, और अब बारी है लेग प्रेस। नॉर्मल लेने वाले, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन आज मैंने अपना पीआर थोड़ा है 2.5 किलो ऐड करके, और पीआर बहुत अच्छा गया है। ऐसे ही टूटेगा पीआर अपना, रिकॉर्ड तोड़ेंगे भाई धीरे 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 धीरे, फॉर्म में आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, और देखते हैं आई थिंक आगे और कहाँ तक जाते हैं। पसीना पसीना हो चुका है बहुत गंदे तरीके से। लेग प्रेस चलिए स्टार्ट करते हैं।
उसका भी मेरे को करना है। कितना देना है? 4 सेट देने हैं, 15 डिप्रेशन करके 15 जाएगा, 15 12 10 और 8 देखते हैं। हाँ उतना चला जाएगा, इजी है। तो चलो भाई, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. Tell you this ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I lift it. There's no capping, I'll be breaking. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. बताओ ना क्या, जो बताना बताओ ना यार, ट्रुथ बताओ। आप कभी झाड़ी में गए लड़की को लेकर? लड़की ना सुसु करने गए भाई, सुसु करने गए। और तुम कभी झाड़ी में गए क्या? तुम कभी झाड़ी में गए हो? पॉटी करने गए हो? वो पॉटी करने गए, पॉटी करने गए, पॉटी हमारे घर में शौचालय वाले शौचालय है। हमारे घर में दो गड्ढे वाले शौचालय है, ठीक है। तो जी, हांडी घर आने के बाद मेरे घर पे तो बंदर आए हुए। क्या कर क्या रहा तुम लोग जी? हम एक ठोक एक ठोकुच कर रहे हैं भाई। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा है एन मेरा नाम हाँ? मेरा नाम है खड़ू सिंह। खड़ू सिंह हाँ। घर का नाम? मेरे घर का नाम शमशान घाट। क्या? शमशान घाट। शमशान घाट, इसका घर शमशान घाट, ठीक है। ये मेरे मामा जी का लड़का है, ये मेरी मामी जी का बेटी है सृष्टि, उसका नाम निहाल। आगे ज्यादा बंदर है क्या है? हाँ, ये आगे आगे उसके आगे बोलिए, एक ही डायलॉग हमको बार बार नहीं सुनना। कौन सा गेम खेलते हो वैसे, तुम्हारा फेवरेट गेम? कोई नहीं, क्रिकेट। क्रिकेट, अच्छा बताओ क्रिकेटर में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसका है? क्रिकेट में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसका है इंस्टाग्राम पे? विराट कोहली। विराट कोहली 212 मिलियन प्लस। 212 मिलियन प्लस। और अभी क्या सर्च कर रहे देखो? ये लड़की का आईडी सर्च कर रहा है, समझ रहे हैं? समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो? अरे तेरी एनसी का लड़की का आईडी होता है एक गधिया ना, संस्कृति दीदी का आईडी है। और अभी क्या खाया तुम? और अभी हां अभी हम खाए हैं। क्या खाया? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता खा गई। कुछ भी काहे तुम मेरे पे लड़े? ये दोनों लड़ते रहता दिन भर हमेशा, लड़ाकू देखो देखो, पीछा ही नहीं छोड़ेगा। देखो मार खाएगा, मार खाएगा। और बताइए कैसा लगा तुमको आज पनीर खाने में? पनीर बहुत अच्छा, पनीर
मम्मी भी ऐसा पनीर नहीं बना सकती, मम्मी तो ऐसा बना ही नहीं सकती, पापा भी नहीं, पापा भी फुआ का तारीफ तो करो। हाँ फुआ बहुत अच्छा बनाती है, फुआ बहुत अच्छा बनाती है, ऐसा अच्छा बनाती है ना कि मेरे अंदर कोई शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं ना। चलो जी तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मिनी ब्लॉग कमेंट नहीं करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए गुड डे एंड हैव ए गुड नाइट, लव यू ऑल।